हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में चॉकलेट देकर यातायात नियमों के प्रति कर रहे हैं जागरूक, किस जिले में यह किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, धमतरी जिले में चॉकलेट देकर यातायात नियमों के प्रति कर रहे हैं जागरूक। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। धमतरी में चॉकलेट देकर यातायात नियमों के प्रति कर रहे हैं जागरूक। 17 फरवरी तक चलेगा यह अभियान। सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश अनुसार पुलिस अधीक्षक धमतरी BG राजभानु के दिशा निर्देश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजन 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को यातायात पुलिस ने आम जनता को चॉकलेट देकर और पाम्पलेट देकर यातायात नियमों के प्रति कर जागरूक करने का प्रयास किया, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, यह किस जिले में किया गया है? तो यहाँ धमतरी जिले में आयोजन किया गया है। दोस्तों, धमतरी की बात आई है तो धमतरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, धमतरी की स्थापना 1998, मुख्यालय धमतरी, मातृत्व जिला रायपुर, रायपुर से पृथक करके धमतरी जिला का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अंतर्राज्य सीमा वाला है तो धमतरी जिला है। अभयारण्य सीता नदी अभयारण्य 1974 में सीता नदी अभयारण्य का स्थापना किया गया। प्रदेश का प्रथम अभयारण्य, सबसे प्राचीन अभयारण्य तो सीता नदी अभयारण्य, 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। दोस्तों, मुख्य नदी देखते हैं, महानदी, उद्गम महानदी का उद्गम शिवाह पर्वत से हुआ है। लंबाई 858 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है। सिलियारी नदी उद्गम सरगट्टी से सिलियारी नदी का उद्गम हुआ है। मुख्य परियोजना रुद्री बैराज 1915, छत्तीसगढ़ के प्रथम परियोजना है तो रुद्री बैराज। गगरेल बांध पंडित रविशंकर जलाशय 1978 से 1979, दुधवा जलाशय 1978 से 1979, माड़ासिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है। श्यामला तराई प्रस्तावित लघु औद्योगिक क्षेत्र, भगोद धमतरी मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, हर्बल पार्क की स्थापना धमतरी जिले में की जा रही है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ मनाया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बेमेतरा जिले में मनाया जा रहा है 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। पक्षी प्रेमी का लगेगा मेला 31 जनवरी से शुरू हो रहा है मध्य भारत का पहला 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव। छत्तीसगढ़ सरकार 31 जनवरी से प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। बेमेतरा जिले में ग्राम गिगवा और परसदा में होने वाली 3 दिवसीय महोत्सव को लेकर तैयारी जोरों पर है। यहाँ साइबेरियन, मंगोलियम और बांग्लादेशी पक्षियों की 150 से अधिक प्रजाति ने अपना डेरा जमाया हुआ है। इन गाँवों में जलाशयों में जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पानी और पक्षी ही पक्षी नज़र आते हैं। तो ये पक्षी मेला कहाँ आयोजन किया जा रहा है 3 दिवसीय? तो बेमेतरा जिला में किया जा रहा है। अब बेमेतरा की बात आई है तो बेमेतरा जिला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बेमेतरा की स्थापना 2012, मुख्यालय बेमेतरा, मातृत्व जिला दुर्ग से पृथक करके बेमेतरा जिला का निर्माण किया गया है। गिधवा पक्षी विहार प्रदेश का प्रथम पक्षी अभयारण्य प्रस्तावित है। दोस्तों, ये कहाँ है? तो बेमेतरा में। मुख्य खनिज चूना पत्थर, डोमेमाइट, कॉटराइज, ये यहाँ के मुख्य खनिज है। तहसील बेमेतरा साजा बेरला नावागढ़, ये तहसील है दोस्तों, 4 तहसील। थाना खमरिया केवल तहसील है। विकासखंड बेमेतरा साजा बेरला नावागढ़। नांदघाट पक्षी अभयारण्य खेड़ा पति का मंदिर कहाँ है? तो बेमेतरा जिले में स्थित है।
बेमेतरा जलमला गांव अभयारण्य है। साजा देवरबीजा सीता देवरी सीता देवी मंदिर सतीश स्तंभ शिव मंदिर कलचूरी कालीन की जो मंदिर है वो बेमेतरा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का इंडा अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर किसके द्वारा रवाना किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो नंबर, श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा हरी झंडी दिखाकर अंजोर रथ को रवाना किया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आज महासमुंद में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के दौरान यातायात नियमों का पालन के लिए जागरूक लाने अंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अंजोर रथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का काम करेगी। गृह मंत्री श्री साहू ने इस अवसर पर दुर्घटनाओं के बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करने और अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की अपील की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों यह किस जिले में मनाया गया है? दोस्तों जो ताम्रध्वज साहू द्वारा अंजोर रथ को प्रारंभ किया तो महासमुंद से इसका प्रारंभ किया। महासमुंद की बात आई है दोस्तों, तो महासमुंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों महासमुंद की स्थापना 1998, मुख्यालय महासमुंद, मातृत्व जिला रायपुर, रायपुर से पृथक करके महासमुंद जिला का निर्माण किया गया है। किंदवती की गुफा वंशी शासक समुद्र गुप्त ने इस क्षेत्र में कई महीनों तक निवास किया था, जिसके कारण इसका नाम महासमुंद पड़ा। मुख्य जनजाति भरता श्रोता यहाँ के मुख्य जनजाति निवास करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी गोंडाकारी फर्सी पत्थर यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। रदन की पहाड़ी पर्यटन ऐतिहासिक स्थल देखते हैं। सिरपुर प्राचीन नाम चित्रगजपुर अर्जुन के पुत्र ब्रह्मवाहन की राजधानी रही है। लक्ष्मण मंदिर सातवीं शताब्दी में निर्माण प्रारंभ वासंता देवी पांडवंशी द्वारा किया गया है। शासक हर्षगुप्त की पत्नी जिसके वास्तुकार कवि ईशान थे। निर्माण पूर्व महाशिवगुप्त बालार्जुन भारत में लाल ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है। छत्तीसगढ़ में लाल ईंटों से मंदिर का निर्माण की प्रथा प्रारंभ की गई है तो बालार्जुन द्वारा प्रारंभ की गई है। वास्तविक विहार अनंत कुटी विहार 639 ईस्वी में हेनसांग सिरपुर आए थे। खलारी प्राचीन नाम खालसा वाटिका रायपुर कलचूरी लहुरी शासकों की राजधानी रही है। महाभारतकालीन स्थल लाक्षगृह के साक्ष बागबहरा चंडी माता मंदिर ये सब कहाँ है? तो महासमुंद में है। भालू फल ग्रहण करने के लिए यहाँ आते हैं बागबहरा में। मुख्य नदी सुखा नदी कोडार परियोजना वीर नारायण सिंह परियोजना लात नदी और जोक नदी के संगम पर यहाँ बना है परियोजना। अभयारण्य बारर पारा अभयारण्य स्थापना 1976 में अभयारण्य का स्थापना किया गया। तुरतुरिया आश्रम वाल्मीकि आश्रम लोक उसका जन्मस्थल है तो तुरतुरिया आश्रम है। देवधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के द्वितीय किसान माहौल की स्थापना की जा रही है तो महासमुंद में की जा रही है। विवेक वर्धन आश्रम यति यतीनाथ जैन धर्म का स्थल है ये सब कहाँ है? तो महासमुंद जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियागढ़।